हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक करेंगे सर्कल। इतना तो आपको पता है कि जो गोल होता है वो सर्कल होता है। तो हम अपने घरों में कितने सारी शेप्स राउंड शेप में देखते हैं, वो सब किस शेप में होती हैं? सर्कल शेप में। जैसे ये देखो, क्लॉक, ये भी सर्कल शेप में है। कॉइन, ये भी सर्कल शेप में है। ये व्हील, ये भी सर्कल शेप में है। अगर हम किसी भी बैंगल से सर्कल बनाएंगे, बैंगल से पेंसिल के साथ सर्कल बनाएंगे, वो सर्कल बन जाएगा। ओके, आप सर्कल कहते हैं, सेंटर पॉइंट क्या होता है सर्कल का? जो सेंटर में होता है ना सर्कल के, उसको कहते हैं सेंटर पॉइंट। उस सेंटर पॉइंट का नाम क्या होता है? ओ। जो सेंटर पॉइंट्स और सर्कल के बीच का डिस्टेंस होता है ना, वो इक्वल होता है सारा। ओके, जैसे अब है रेडियस। रेडियस क्या होता है? जो सेंटर पॉइंट से जो हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं ना, अगर सर्कल के यहाँ पर ज्वाइन करती है किसी भी पॉइंट पर, तो उसको कहते हैं रेडियस। ये सेंटर पॉइंट से कितने सारे रेडियस निकल रहे हैं, जैसे ये देखो, ओ बी, ओ डी, ओ ए, ओ सी, ये सेंटर पॉइंट से निकल रहे हैं। ये सारे सबका डिस्टेंस क्या है? ये सबका डिस्टेंस क्या है? इक्वल। ओके, ओ बी, ओ डी, ओ ए, ओ सी, ये सब क्या है? रेडियस, और इनका डिस्टेंस भी इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होते हैं कि ज्वाइनिंग टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे सर्कल के दोनों तरफ से टच करे, उसको कहते हैं कॉर्ड। अ लाइन सेगमेंट विद एंड विद इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। सर्कल के किसी भी पॉइंट पर ज्वाइन कर देना एंड पॉइंट, ये पी ए के दोनों तरफ से सर्कल को टच करे, तो उसको कहते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड कौन सी हुई है? पी क्यू। क्या हुई? कॉर्ड। एक ये कौन सी हुई? ई एफ। ये भी सर्कल को दोनों तरफ से टच कर रही है, ई एफ भी कॉर्ड है। अब देखो जो ए बी है, ए बी क्या है? ए बी को हम वैसे तो हम कहते हैं डायामीटर। ए बी को हम कहते हैं डायामीटर। ओके, क्योंकि ये इसको ये भी कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है सर्कल का। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटर ओ पॉइंट से निकलता है। जो ए बी है, सेंटर ओ पॉइंट से निकल रहा है और ये सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो ये डायमीटर है, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी इक्वल पार्ट में। तो ये इस फिगर में थ्री कॉर्ड्स हैं, पी क्यू, ए बी, ई एस। अब यहाँ पर कितने कॉर्ड्स हुई? पी क्यू, ए बी, ई एफ। जो ए बी है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ओके, क्योंकि ये ए बी हमारा क्या है? डायामीटर। अब देखो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस क्या होता है? कहता है द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। जो लेंथ होती है ना सर्कल की, बाउंड्री की लेंथ, उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। आज हम एक्टिविटी सिक्स का क्वेश्चन नंबर वन करेंगे। सिर्फ वन ही क्वेश्चन करना है, बाकी हमने सिलेबस में कट कर दिया, तो आपको सिलेबस भी लिखवा देंगे। तो एक ही क्वेश्चन करना है इसका, क्वेश्चन नंबर वन। लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर वन देखो, एक मिनट बोर्ड से देखने से पहले कि देखो, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड नेम द फॉलोइंग। ये देखो, ये फिगर दिया ना बुक में आपको, ये फिगर दी। तो ए पार्ट क्या पूछा? सेंटर ऑफ द सर्कल। कहते यहाँ सेंटर कहाँ पर है? बी पूछा रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस बताना है इसमें से। कॉर्ड ऑफ द सर्कल, तो कॉर्ड बताना है इसमें। डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो इसमें इसको देखकर आपने डायमीटर बताना है। तो आप देखो बोर्ड पर, लुक एट द बोर्ड। ये मैंने फिगर बनाया है, ए पार्ट है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। कहते हैं अब इस फिगर में सेंटर कौन सा है? अब इस फिगर में सेंटर कौन सा है? ओ, इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम आंसर क्या लिख दें यहाँ पर? ओ। बी पार्ट है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मैंने बोला था सेंटर ओ पॉइंट से जो हाफ लाइन होती है, मतलब जो सेंटर ओ पॉइंट से सर्कल को टच करे किसी भी पॉइंट पर, उसको कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। एक्चुअल में जो रेडियस होता है ना, वो डायमीटर का हाफ होता है। ये देखो, एक रेडियस हो गया ये ओ ए, एक रेडियस कौन सा हो गया? ओ बी, और ये थर्ड वाला कौन सा हो गया? ओ ए। ये सेंटर ओ से निकल रहे हैं ना तीनों, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो यहाँ पर देर आर थ्री रेडियस इन दिस फिगर। तो आपने यहाँ पर लिख देना ओ ए कोमा ओ बी कोमा ओ सी। ओके, सी पार्ट है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अभी मैंने आपको कॉर्ड समझाए थे कि टू पॉइंट्स जो सर्कल को दोनों तरफ से टच करे वो होते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देखो ये पी और क्यू दोनों तरफ से टच करे सर्कल को,
ये होगी पी क्यू होगी एक कॉर्ड, और दूसरी कौन सी होगी ए बी, जो ए बी है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, इसलिए हम ये है तो डायमीटर, हम इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, इसलिए इसको हमने कॉर्ड में लिखना है पी क्यू एंड ए बी। डी पार्ट है डायामीटर ऑफ द सर्कल, कहते डायामीटर, अभी समझाया था कि डायामीटर जो सेंटर ओ पॉइंट से निकलता है सर्कल के दोनों तरफ से टच करता है और सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब सेंटर ओ पॉइंट तो ये है, सेंटर ओ पॉइंट से डायामीटर ये रहा ए बी, ए बी जो सर्कल को दोनों टू पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो डायामीटर कौन सा हुआ ए बी, डायामीटर एक ही होता है ए बी। अगर यहाँ सेंटर है ये पूरी लाइन होती ना, तो ये दूसरी डायामीटर, कितने सारे डायामीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये मान लो ये सर्कल है और सेंटर ओ पॉइंट से रेडियस भी बहुत सारे बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, और डायामीटर भी बहुत सारे बन जाते हैं पूरी लाइन सेंटर ओ पॉइंट से फुल लाइन, ये डायामीटर ये डायामीटर ये डायामीटर ये सब क्या है डायमीटर, और जो कॉर्ड है वो हम सर्कल के दोनों तरफ से कहीं से भी टच कर सकते हैं, बस डायामीटर ये जो सेंटर ओ पॉइंट से निकलता है, और रेडियस जो सेंटर ओ पॉइंट से जो डायामीटर का हाफ होता है ना वो सेंटर, ये जैसे डायामीटर का हाफ हो गया ना उसको कहते हैं रेडियस। ओके बस आपने ये वाला क्वेश्चन करना है नोटबुक पर नीट एंड क्लीन, बाकी सिलेबस आपको लिखवा देंगे व्हाट्सएप पर, और मैं पेज भी डाल दूँगी जिस पे कॉपी, जिस कॉपी में मैंने ये करवाया वो भी डाल दूँगी, उसकी पिक भी आपको व्हाट्सएप या स्नैप होमवर्क में डाल दूँगी। ओके डू योर वर्क नीट एंड क्लीन।